हेलो फ्रेंड्स, क्या आप गर्भावस्था के दौरान मशरूम खाती हैं या नहीं? कई महिलाओं का मेल आया कि क्या प्रेगनेंसी में मशरूम खा सकती हूँ, कोई नुकसान तो नहीं होगा? क्योंकि प्रेग्नेंट महिलाएं कुछ भी खाने के पहले बार बार सोचती हैं कि इसे खाने के बाद गर्भ को कोई नुकसान तो नहीं होगा। इसलिए आज मैं मशरूम खाने के फायदे होते हैं या नुकसान, इस पर बात कर रही हूँ। दोस्तों, मशरूम में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन B2, विटामिन D, विटामिन C, फोलेट, फाइबर, पोटेशियम, सेलेनियम, थायमिन, आयरन जैसे कई पोषक तत्व होते हैं, जो प्रेग्नेंट महिला और गर्भ में पल रहे शिशु के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। दोस्तों, मशरूम में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट प्रेग्नेंट महिला के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। प्रेगनेंसी में मशरूम खाने से गर्भ में पल रहे शिशु का इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है, जिससे संक्रमण से बचे रहने में मदद मिलती है। मशरूम में फाइबर होता है, जो प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली पाचन संबंधी समस्याओं से निजात दिलाने में मदद करता है। मशरूम खाने से कब्ज और एसिडिटी की समस्या भी नहीं होती और पाचन क्रिया सही रहती है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि प्रेग्नेंट महिला के शरीर में खून की कमी होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उचित मात्रा में खून रहना बहुत जरूरी होता है। मशरूम में आयरन होता है, जो शरीर में न्यू ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है, जिससे खून की कमी नहीं होती और ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा सही रहती है। दोस्तों, मशरूम में विटामिन डी होता है, जो शरीर में कैल्शियम को अवशोषित करके हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है। मशरूम खाने से गर्भ में पल रहे शिशु की हड्डियां भी मजबूत होती है। दोस्तों, मशरूम में विटामिन सी होता है, जो शरीर की कोशिकाओं को रिपेयर करने में मदद करता है, आयरन को संतुलित रखता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, घाव जल्द भरने में मदद करता है और हड्डियों और दांतों को स्वस्थ बनाए रखने का काम करता है। दोस्तों, मशरूम में फाइबर और पोटेशियम होता है, जो हार्ट और नसों को स्वस्थ रखने में मदद करता है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और ब्लड फ्लो सही तरीके से पूरे शरीर में होता है। दोस्तों, गर्भ में शिशु के उचित विकास और प्रेग्नेंट महिला के स्वस्थ शरीर के लिए शरीर में सोडियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल का नियंत्रण में होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मशरूम का सेवन जरूर करना चाहिए, ताकि ये तत्व शरीर में बैलेंस रहे। तो ये कुछ फायदे थे, पर कुछ बातों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे फ्रोजन और काले पड़े मशरूम प्रेग्नेंट महिला को नहीं खाने चाहिए। प्रेग्नेंट महिला को कभी भी कच्चे मशरूम का सेवन नहीं करना चाहिए, भूल कर भी नहीं। मशरूम को हमेशा गर्म पानी से धोकर ही बनाएं, क्योंकि मशरूम में काफी बैक्टीरिया होते हैं और गर्म पानी से धोने के बाद ये बैड बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको बहुत काम आएगी। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।